हमने अपने शौक को ODF घोषित कर दिया है। हमारे यहाँ पर कोई भी व्यक्ति खुले में शौच करने नहीं जाएगा। अगर कोई व्यक्ति खुले में शौच करने जाता है तो उस पर जुर्माने की व्यवस्था है। अगर जुर्माने से भी कोई व्यक्ति नहीं मानता है तो फिर उसको जेल जाने की व्यवस्था है। केंद्र सरकार ने 2 अक्टूबर तक खुले में शौच मुक्त करने की योजना बनाई थी, लेकिन इसके बावजूद लोग खुले में शौच के लिए जा रहे हैं। इसके तहत जिला प्रशासन लोगों को लगातार इसके लिए अवेयर कर रहा है। वहीं स्वच्छता अभियान और शौच मुक्त अभियान के तहत नगर पंचायत सौंख टीम द्वारा कस्बा के कई इलाकों में चेकिंग की गयी। इस दौरान खुले में शौच जा रहे लोगों के चालान भी काटे गए। फिलहाल चालान कुछ कम राशि के थे। आप खुले में शौच करके आए हो, ODF के तहत खुले में शौच नहीं कर सकते हो, उसका जुर्माना 5 रुपया आपके लिए रसीद दे रहे हैं। 5 रुपये का जुर्माना है, ठीक है, 5 रुपये का जुर्माना है। आज की बात करते दिखाओगे तो 50 रुपये का जुर्माना आपका लगेगा खुले में शौच का। आपके घर में लैट्रिन नहीं है क्या? आज की बात करोगे 50 रुपये का जुर्माना होगा। हमने अब तक चालान बहुत काट दिए आज ही आज में साहब। चेकिंग के दौरान कस्बा सौंख में लगभग 30 लोगों के चालान काटे गए। क्या नाम है आपका? योगेश कुमार, सफाई नायक, नगर पंचायत सौंख। क्या कार्रवाई हो रही है? ये ODF को घोषित करने के लिए हमारे कस्बे में ODF सक्षम चलाया जा रहा है अभियान, और इसमें जो खुले में शौच जो करने वाले लोग हैं उनको हम जुर्माना कर रहे हैं। अब तक कितने लोगों का चालान कर दिया है? अब तक हमने 20 लोगों का चालान कर चुके हैं। 20 का आज 21वां लोग है ये। अच्छा, ठीक, धन्यवाद। वही सौंख चेयरमैन द्वारा खुले में शौच करने वाले लोगों को चेतावनी भी दी गई। चेयरमैन ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति खुले में शौच करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं चालान की राशि 5,000 रुपए और जेल का भी प्रावधान किया जाएगा। नाम है आपका? मेरा नाम भरत सिंह, चेयरमैन नगर पंचायत सौंख। आज आपके द्वारा क्या योजना चलाई गई? एक सरकार की ओर से ODF की जो योजना चल रही है खुले में शौच से मुक्ति, तो हमने अपने शौक को ODF घोषित कर दिया है। हमारे यहाँ पर कोई भी व्यक्ति खुले में शौच करने नहीं जाएगा। अगर कोई व्यक्ति खुले में शौच करने जाता है तो उस पर जुर्माने की व्यवस्था है। अगर जुर्माने से भी कोई व्यक्ति नहीं मानता है तो फिर उसको जेल जाने की व्यवस्था है। आज मैंने अपने कई कर्मचारी जो OD पॉइंट हैं उन पर लगाए हैं और उन्होंने कुछ लोगों के चालान काटे हैं। जुर्माने की राशि काफ़ी कम रखी गई है, लेकिन अगर ये व्यक्ति दोबारा से खुले में शौच करते हुए मिले तो इनकी राशि बढ़ा दी जाएगी और लास्ट में फिर इनको जेल तक का प्रावधान किया।